हे व्हाट्स अप माय डू फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट विक्की। और गाइज, आज हम खेलने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू गेम जिसका नाम है मॉडर्न कॉम्बैट 4। तो गाइज, ये ब्रांड न्यू तो नहीं है, मतलब गाइज मॉडर्न कॉम्बैट 5 आ चुका है, बट गाइज ये है मॉडर्न कॉम्बैट 4। और गाइज ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया, तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। वैसे गाइज इसका फर्स्ट लुक देखते हैं, और तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपना ड्रोन आ चुका है, और गाइज ये ड्रोन जा रहा है एक अनजान से आइलैंड की तरफ। और गाइज मुझे नहीं पता इस गेम में क्या होने वाला है, क्यों गाइज फर्स्ट बार मैं इस गेम को ट्राई कर रहा हूँ, और गाइज देखते हैं गेम कैसा होता है। वैसे गाइज आपको पता है ये गेम गेम लोप्ट का है, तो आप मान सकते हो कि एवरेज मतलब अच्छा ही होगा, आप 90% श्योर होके कह सकते हो। बाय द वे गाइज ये ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, एक शूटिंग गेम है जो कि गाइज FPS मोड यानी आपको पता है फर्स्ट पर्सन शूटर मोड पर चलने वाला है। बट गाइज देखते हैं कि गेम किस प्रकार का होता है। और गाइज जैसा कि आप गेम का ट्रेलर देख सकते हो, मतलब क्या शानदार लेवल का है। बट गाइज अपना ड्रोन वहाँ पे जाके क्रैश हो चुका है, और गाइज ये देखो ये अपना मतलब जो आप मान सकते हो क्या बोलते हैं अपनी बोट या जहाज आप मान सकते हो, और गाइज यहाँ पर अपनी सेना आ चुकी है। आप देख सकते हो मतलब युद्ध चल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो खतरनाक वाला, और साथ में गाइज लड़ाकू जहाज जितने भी है ये सारे आ चुके हैं, मतलब जो ये उड़ने वाले होते हैं, मतलब तीनों प्रकार की फोर्स आ चुकी है। और गाइज ये अपना सोल्जर्स आप मान सकते हो जिसका नेम है वोकर, वैसे वोकर तो गाइज ये बोल रहा है वो होगा, या हो सकते हैं हम भी हो सकते हैं, बट पता नहीं। तो गाइज अपनी गन रिलोड हो चुकी है, तो गाइज अपना नाम है ब्लैक, और गाइज वो वोकल बोल रहा है कि चलो अपने साथ, और गाइज वो अपना कैप्टन हो सकता है और होगा मेरे हिसाब से। तो गाइज कैमरा व्यू आप देख सकते हो, और गाइज इसके बाइक कंट्रोल बहुत बेकार से, मतलब आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे गन का साइंस दिखा रहा है। और गाइज मुझे थोड़ा चलने मतलब सेट होने में टाइम लगेगा, बट गाइज अपन ट्राई करते हैं। और गाइज जैसा कि आप देख सकते हो सामने मतलब दुश्मनों के जहाज मिलने वाले अपने को, आप मान सकते हो मतलब गाइज जितने भी ये दुश्मनों के सोल्जर्स हैं अपन सबकी बैंड बजाते हैं। और गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपने को गोलियां पड़नी चालू हो चुकी है, वहाँ पर मुझे दो चार सोल्जर्स दिखते हैं, तो गाइज सबकी बैंड बजाते हैं। और गाइज अपन इस गेम को जहाँ तक हो सकेगा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और गाइज जहाँ तक होता है उतनी देर तो कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मतलब गेम के ग्राफिक्स है वो एवरेज लेवल की है, कंट्रोलिंग भी एवरेज लेवल की है, मतलब इतना कोई खास भी नहीं है तो इतना घटिया भी नहीं है, बट एक एवरेज तौर पर देखा जाए तो गेम एवरेज सा अच्छा ही गेम है। बाकी गाइज आगे ट्राई करते हैं। और गाइज क्या युद्ध चल रहा है, मतलब गाइज ग्राफिक्स थोड़े से कम है इसके, पता नहीं मेरे मोबाइल की कमी की वजह से या पता नहीं गेम का कोई होगा, मतलब इतने लेवल मतलब ग्राफिक्स अच्छी है बट गाइज उतनी मतलब वो फ्रेम रेट नहीं आ रही है जितनी की आनी चाहिए, बट कोई नहीं अभी गाइज देखते हैं। वैसे भी आपको बताया 1.5-2 GB का गेम है, तो कितनी मतलब अच्छी फ्रेम रेट्स आएंगी। तो आप देख सकते हो ये सोल्जर्स आते जा रहे हैं, सबका गाइज एक एक करके मत्था फोड़ेंगे। और वैसे गाइज इसकी स्टोरी लाइन क्या है वो तो मुझे अभी भी पता नहीं चली, बट जिस प्रकार से ट्रेलर आके चला गया पता भी नहीं चला। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपन अपने वॉकर जो कि अपना कैप्टन है उसको फॉलो करते हैं, और जहाँ पर ये जितने भी सोल्जर्स मिलते हैं सब की गाइज एकदम मत्थे पर हेडशॉट मारते हैं, उनका लेवल 3 का हेलमेट फाड़ते हुए चलते हैं। तो अब देख सकते हो यहाँ पर 2-4 थे उनको तो उड़ा दिया है, और गाइज ये वॉकर बोल रहा है भाई फॉलो मी, तो गाइज इसे फॉलो करेंगे क्योंकि आपको पता है ये अपना ही आदमी है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अपने को बहुत सारे ये नल्ले सोल्जर्स मिलने वाले हैं जो कि गाइज अपनी टीम के नहीं है, मतलब अलग टीम्स के। और ये देखो सामने वाला, और गाइज इससे पड़ने वाला पट से हेडशॉट। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो 3-4 को मैंने और उड़ा दिया, और गाइज कितने आते हैं अभी देखते जाते हैं, जितने भी आते जाएंगे सबको अपन उड़ाते जाएंगे एकदम, मतलब अच्छी तरीके से धुलाई करते जाएंगे इनकी, बस अपने को सिर्फ इस वॉकर को फॉलो करते रहना है। और गाइज वो देखो अपनी नेवी वाली जहाज भी आई हुई है यहाँ पे, और साथ में गाइज ये देखो ये और भाई सोल्जर्स, मतलब गाइज कहाँ का युद्ध चल रहा है यार, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और इनके रेनफोर्समेंट आती जा रही है भाई साहब अलग ही लेवल पर, क्या मतलब गद्दर मचा रखी है एकदम बोले तो। बट कोई नहीं अभी देखते जाते हैं कौन कितना पानी में है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैंने एक चेक पॉइंट कंप्लीट कर लिया, और गाइज उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि गाइज उसमें ज़्यादातर थोड़ी बहुत फाइट ही थी। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपन को यहाँ पर अपना टेबलेट मिल चुका है, और गाइज इस टेबलेट से अपने को मतलब इसे कंट्रोल करना, और गाइज ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, बट आप देख सकते हो ऊपर नाम आ रहा है थर्मोफोर, और वैसे मुझे नहीं पता ये क्या है, बट गाइज ये आप एक मान सकते हो छोटा ड्रोन टाइप का है, वैसे ड्रोन उड़ता है। और गाइज ये जमीन पर चलने वाली रिमोट कंट्रोल कार है, और गाइज इसमें एक मिनी गन भी लगी हुई है। और गाइज अब आप देखते जाओ मतलब ये दुश्मन के जितने भी सोल्जर्स हैं ना गाइज अपन को सबको इनको उड़ाते हुए चलना है, वैसे जितनों को अपन मार सकते हैं उतनों को तो मार रही है, बट कोई नहीं जितने भी होते हैं सबको मारते जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल काम नहीं है, वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार अपन नॉर्मल एक सोल्जर्स को कंप्लीट करते हैं ना उसी प्रकार इसे कंट्रोल करना। और गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपनी हेल्थ आधी रह चुकी है, और भाई साहब ये कितने सोल्जर्स और पता नहीं, बट गाइज गेम का मतलब क्या फ्यूचरिस्टिक टाइप का गेम है।
मतलब आप देख सकते हो खेलने का जो मजा है ना वो एकदम एनदर लेवल पर आप मान सकते हो। वैसे देखते हैं गाइस, अभी तो मैंने इसे स्टार्ट किया तो पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और वैसे भी अभी पूरा गेम भी समझ में नहीं आया, मतलब मैंने इसके कंट्रोल भी सही नहीं किए, जैसे आए थे वैसे ही पड़े हैं। मतलब मैंने गेम को डाउनलोड किया और आपके साथ ही रिकॉर्डिंग करके बस स्टार्ट कर दिया। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अपनी वाली जो भी वो कार थी रिमोट कंट्रोल वो फूट चुकी है, मतलब गाइस उसकी हेल्थ एकदम कम हो चुकी थी, 0 HP के साथ उसने सर्वाइव किया, बट कोई नहीं। और गाइस अब अपन चलने वाले उस कार के पास, वैसे कार के पास नहीं, वहाँ उन सोल्जर्स के पास। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अपनी कार यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है, इस पर एक मिनी गन भी लगी हुई है। और गाइस ये देखो, मतलब क्या शानदार लेवल का गेम है, मतलब आप देख सकते हो एकदम जो रियलिस्टिक टाइप की फीलिंग आ रही है। बट कोई नहीं, अभी गाइस अपन चलते हैं यहाँ पर, और गाइस ये मेरे हिसाब से अपना नेक्स्ट चेक पॉइंट होने वाला है। और तो गाइस आज का गेम प्ले अपन इसी चेक पॉइंट पर खत्म करेंगे। आपको गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Let me in, yeah.